अपनी कमी को छुपाने के लिए पूरे मीडिया में षड्यंत्र चलाया गया कि वहां पर भेड़ और बकरियां थी। इस पूरे मीडिया के कारण और प्रशासन के कारण आज हमारे 11 लोगों पर FIR चल रही है मित्रों। ऐसे 11 लोगों के ऊपर हमारे FIR चल रही है, और शायद अगर मैं ठीक हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कल शायद पवन देव जी दिखा रहे थे कि ये देखो आप सब जवान, इसमें शायद मुझे देखने में गलती लगी है कि नहीं, मैं वो श्योर नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगा कि वहां पर 307 लिखा था। इतना बड़ा 307 341 और ऐसी 147 ऐसी कई धाराएं किस लिए लगाई मित्रों आप जानते हैं? केवल इसलिए, और उसको कहा गया कि वो भेड़ बकरियां मवेशी लेकर के जा रहे थे और उन पर अत्याचार हुआ, और ये सारा प्रकांड बना करके वो ये छुपाना चाहते थे, वो मीडिया में ये छुपाना चाहते थे कि गौ तस्करी हुई है। सिर्फ गौ तस्करी को बचाने के लिए हमारे लोगों पर FIR भी हुई, सिर्फ गौ तस्करी और हमारे जितने भी उन्होंने प्रकांड सारे प्रशासन ने किए उसको बचाने के लिए ये भी कहा गया कि उसमें भेड़ बकरियां थी। मीडिया में आप सब लोगों ने देखा हो, ये सारा का सारा षड्यंत्र कल शाम को कोर्ट के अंदर खुल गया। जो पुलिस ये बोलती आई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, कल उस पुलिस की गाड़ी के लोगों ने मेरे फेसबुक पर देखा, के लोग मुझे फोन कर रहे थे रात को JK02R, याद रखना गाड़ी का नंबर JK02R3307। और उस पुलिस के ट्रक में 16 मवेशी गाय और बछड़े, 12 बड़े और 4 छोटे, कैसे लेकर के जा रहे थे, किसकी परमिशन थी, हमने जब अपने लोगों से बात की वो वहां पर गए, यहाँ पर सब आए हैं वो लोग, जब उनसे बात की तो वो वहां पर उसके अंदर जो पुलिस वाला था वो कहता है SSP साहब का ऑर्डर था इसलिए मैं लेकर के जा रहा हूं, और कहता है कि मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको रिलीज करो। मित्रों और मुझे बताओ, कल को आप गाड़ी रिलीज करवाते हो, कौन सा पुलिस वाला इतना जो है होशियार है जो आपकी गाड़ी लेकर के घर तक छोड़ने के लिए जाता है? कौन सा ऐसा पुलिस वाला है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब है इन्होंने बोला कि उनका वहां पर जहां पर दे रहा है वहां पर छोड़ करके रात को 10 बजे की बात, मतलब 10 बजे शुरू हुआ ये कार का बताओ, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर पुलिस के कुछ लोग छोड़ने के लिए जा रहे थे, जिस अफसर ने उनको बोला होगा छोड़ करके जाओ, किसकी इजाजत के साथ आप जा रहे थे, किसकी इजाजत के साथ, अगर DM DC भी परमिशन दे दे तो उस पुलिस के ट्रक नंबर JK02R3307 के अंदर 6 से ज्यादा मवेशी नहीं ले जा सकते थे। लेकिन हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास पुलिस वाला ये कहता हुआ दिख रहा है, मुझे SSP साहब ने देखा किसकी परमिशन से ले जा, SSP और DSP उसके पास कुछ फैक्ट्स में आपको बताएंगे, वो लेकर के जा रहे थे तो कैसे एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं आप, कैसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का यूज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, शायद जिसकी वो मार मवेशी लेकर के जा रहे थे वो DSP या SSP का कोई खास होगा, घर का रिश्तेदार होगा जिस कारण वो अपनी गाड़ी में उनको भेजा था। ये तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने कोई कोर्ट से कोई चीज रिलीज करवाई हो तो पुलिस बड़े ठाट के साथ उसके साथ जाए और बोले भाई मेरे हम तेरे को घर तक छोड़ करके आई, ऐसा होता है क्या? इसलिए ये सारा नेक्सस कल खुल चुका है और हमारी क्लियर कट मांग है।